देवभूमि हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर की ऊंची पहाड़ियों में एक बार फिर से जमकर बरसात ओलावृष्टि हुई है। ठंड के प्रकोप से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, तो वहीं विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी में जमकर पड़े ओलों के कारण श्रद्धालुओं को भी दिक्कतें हुईं। घरों की छतें बर्फ की तरह सफेद ढकी नजर आईं। आपको बता दें कि आजकल गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। गुप्त नवरात्रों के दौरान माता श्री नैना देवी जी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटक तेज ठंडी हवाओं और बरसात में ओलावृष्टि से परेशान हुए हैं। स्थानीय लोग और दुकानदार अंगीठी सेकने को मजबूर हैं। पिछले दो दिनों से हो रही लगातार बारिश के दौरान काफी संख्या में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बरसात और ओलावृष्टि के कारण तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है। नैना देवी पहुंचते इन्ना आनंद महामय ने इन्ना मेहर बरसाया, बारिश पै रही है, गड़े पै रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। जय बहुत खुले दर्शन। तीक्ष्ण ठंड, अत्यंत भीषण ठंड, और यहाँ तक कि यह ओलावृष्टि साय आरती से पूर्व से लेकर अब तक ओलावृष्टि चल रही है, जिससे ठंड का प्रकोप काफी बढ़ गया है। जगजननी माँ नैना देवी के दरबार में करबद्ध यही प्रार्थना है कि प्रत्येक तीर्थयात्री आगंतुक जो भी हो, यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों का विश्वजननी माँ नैना देवी कल्याण करें। विश्वजननी पात्र ने ओम सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जग अतो अहम विश्वरूपम तावन मामि परमेश्वरीम।